नमस्कार दोस्तों, एनडीसी नेशनल की टीम आपको लेके चलती है सतलोक आश्रम जिला शामली उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ पे हुआ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ का सारांश, उनकी कुछ फोटो कॉपियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसमें प्रमाण के साथ इसमें सिद्ध किया गया है कि जो सबका मालिक है वो कबीर साहब जी हैं। हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो इन सभी वाणियों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितनी हद तक सही है। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप दास है। वैसे तो मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जब आप प्रदर्शनी में घूम रहे हो तो आपको सारी चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाई गई है कि किसी के एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि ये जो लगाई गई है प्रदर्शनी, अथर्वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद, इसमें दो श्लोक दिए गए हैं। अथर्वेद में है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है, ठीक है, यो थर्वाण पितर देव बंधु बृहस्पति नमसाव चै गच्छात। इसमें कहा गया है कि वो जो परमात्मा है, ठीक है, वो कबीर परमेश्वर है। इसमें दूसरी लाइन में आया है, त्वे विश्ववेशा जनिता यथास कबीर देवो ने दभायत स्वधवान। तो कबीर देव इसमें स्पष्ट रूप से आया है। अब ऊपर जो प्रिंट का जो स्नैपशॉट है ऊपर लगा हुआ है, जो आर्य समाज की पुस्तक से उन्होंने कवि का अर्थ मेघावी किया हुआ है, जबकि नीचे सही अनुवाद है, कवि का अर्थ है कबीर देव, उसमें कबीर देव है पूरा। आगे जो आप दूसरा श्लोक पढ़ोगे, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी कवि शब्द आया है, परि यत कवि काव्या। कवि का मतलब वहाँ पर उन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, पहले मेघावी किया था, यहाँ पर सर्वज्ञ कर दिया। तो कोई भी कवि मेघावी नहीं होता, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता, सिर्फ कबीर परमात्मा ही मेघावी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, उनका नाम कबीर देव है। तो ये इस तरह से आप देखोगे, आगे गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, इसमें लिखा है, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस्कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअ परवरदिगार। इसमें लिखा है हक्का कबीर करीम तू, असली दयालु परमात्मा कबीर तू है, निर्विकार परमात्मा, बेऐब, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है। इससे आगे आप चलोगे तो इसमें एक और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, अंधला नीच जाति परदेसी मेरा खिन आवे खिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा की कर मुंडा पावे। तो जो कबीर साहिब जी थे वो धानक जाति में आए हुए थे, तो नानक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको तुम नीच जाति में कह रहे हो वो खिन आवे खिन जावे, वही एक पल में यहाँ एक पल में ऊपर, असली परमात्मा है वो। आगे आप चलोगे पवित्र बाइबिल में प्रमाण है, इधर आप दूसरी साइड में जस्ट फ्रंट वॉल पे देखोगे, महापुरुषों की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है, दादू जी की भविष्यवाणियाँ, धर्मदास जी की भविष्यवाणियाँ, मलुकदास जी की भविष्यवाणियाँ, जो ये सिद्ध करती है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, क्योंकि परमात्मा इन सबको मिले थे और फिर इन्होंने उस परमात्मा की महिमा गाई है। जैसे आप पढ़ोगे दादू जी की भविष्यवाणी है, इसमें लिखा है, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। कबीर सृजनहार का मतलब वो सृजनहार, सबकी रचना करने वाला कबीर है। आज धर्मदास जी के वाणी में पढ़ेंगे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, यानी कि उस अमर धाम से वो चलकर आए हैं। इस तरह से ये हर एक चीज को यहाँ पे प्रमाण के साथ दर्शाया गया है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में प्रमाण, जिनके उपलक्ष्य में, जिनके बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है, वही गरीबदास जी महाराज, उन्होंने कहा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। तो ये इन्होंने ये सिद्ध करती हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। और यहाँ पे ये गीता जी का बहुत अच्छा श्लोक है, इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, ये श्लोक कह रहा है, अध्याय 17 श्लोक 23, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविदे स्मृत है, कि वो पूर्ण परमात्मा का जो सारनाम जिसको कहते हैं वो ओम तत्सत है, ये सांकेतिक है, वो मंत्र आपको बताएंगे तत्वदर्शी संत, तो वो तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज है, उनसे नाम उपदेश लेने से ही वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया गया है कि ऊपर कौन है, जड़ ऊपर पूर्ण परमात्मा है, पत्ते नीचे हम शाखा हैं, और इसमें भी भाग बताए गए हैं, टहनी कौन परमात्मा है, मोटा दार कौन परमात्मा है, शाखाएं कौन परमात्मा है, ऐसे करके ये पूरी की पूरी
ये प्रदर्शनी दिखाई गई। इधर आप देखोगे गीता जी का सार दिखाया गया है, गीता जी क्या कहना चाह रही है। आजकल आप अपने बहुत सारे जगत के लोगों से आप मिलते होंगे, उनकी आप राय सुनते होंगे, सब यही कहते होंगे क्या जरूरत है गुरु बनाने की, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, और गीता जी को भी मानते हैं। तो जब आप देखोगे गीता जी अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 में, इसमें लिखा है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बनी भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट किया है कि गुरु बनाओ और उनके सामने बाबूजी मत बनो, सेवा करो, उनकी दंडवत प्रणाम करो, अंदर कपट छोड़कर उनसे सरलतापूर्वक सर नम्र होकर उनसे प्रसन्न करो, तब वो तुम्हें वो ज्ञान समझाएंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वेल अंडरस्टूड है अपने आप ही, जब यहाँ पे कोई भी घूमेगा इनमें थोड़ा सा पढ़ेगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर एक लास्ट प्रश्न आपसे, जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से धोते हैं सभी शास्त्रों के हिसाब से, तो बहुत से लोग हैं जो कबीरपंथी भी हैं विश्व के अंदर आज की डेट के अंदर, वो कहते हैं हम भी कबीरपंथी हैं, अभी हम कबीर साहब का ज्ञान देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब का ज्ञान देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और बाकी कबीरपंथियों के ज्ञान में क्या अंतर है सर? अंतर बहुत बड़ा हो गया है आजकल, क्योंकि वो सिर्फ कबीर साहब जी को सदगुरु मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं मानते उनको। सदगुरु तो मानते हैं, उनकी सारी बात भी मानते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते, सिर्फ यही अंतर है, जबकि वो पूर्ण परमात्मा है। अब कबीरपंथी में और हमारे पंथ में अंतर ये है कि वो लोग वेदों तक नहीं पहुँचते, वो सिर्फ कबीर सागर तक सीमित है। हालांकि कबीर सागर में सब कुछ है, लेकिन एक वाणी है परमात्मा की, गुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना जो तो तब उस चढ़े मूढ़ किसाना, उनको वो असली बात समझ में भी नहीं आ रही है। लेकिन आज का जो समाज है वो गीता जी पर आधारित है, वेदों पर आधारित है, हमारे शास्त्रों पर आधारित है, तो वो अन्य जो कबीरपंथी है वो इनको नहीं पढ़ते। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे कबीरपंथी हैं जो कबीर सागर की बातों को तो बता ही रहे हैं, साथ में इन चीज़ों को भी उनसे मैच करके बता रहे हैं कि देखो कबीर भगवान है और यहाँ पे भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, जैसे कि हमने अभी पहले देखा, ये अंतर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी।